सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। प्रकृति हर कमजोर को एक ताकत देती है और हर ताकतवर को एक कमजोरी। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तित होगा तो किसी का समय। जिस दिन से आपने दुष्टों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। गरीबी और समृद्धि दोनों विचार का परिणाम है। आज का पंचांग 11 जुलाई 2024 दिन गुरुवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि, सुबह 10:03 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र दोपहर 1:04 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:12 से 3:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर शाम 7:49 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 11 जुलाई 2024 दिन गुरुवार, आज आपके विचार उलझे और बिखरे हुए से हैं। आप एक साथ बहुत सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि आज कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। ध्यान को केंद्रित रखने की जरूरत है। थोड़ा सा मानसिक अभ्यास करें और दूसरों से सलाह ना लें, क्योंकि अलग अलग सलाह से आप और भी उलझते जाएंगी। मरम्मत को अभी टाला नहीं जा सकता। यह समय खिड़कियों कारों आदि को सुधारने के लिए धन खर्च करने का है। सहकर्मी और भाई बहन आपके जीवन में खास भूमिका निभाएंगी, जिसे आपको नेटवर्किंग के अवसर मिलेंगे। उन लोगों के संपर्क में रहें जो अभी सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपकी सितारे जीवन को नए जोश और संभावनाओं से भरने वाले हैं। अपने आवेश पर नियंत्रण रखकर आप सफलता और स्थिरता का मजा ले सकते हैं। आज आपकी व्याकुलता मुश्किलें पैदा कर सकती है, इसलिए दिल में कोई भी बात ना रखें। आपके एक मिनट के आक्रोश का मतलब है कि आपने प्रसन्नता के 60 सेकंड खो दिए। चोट से बचने के लिए सावधानी से बैठें, साथ ही सही तरीके से कमर सीधी करके बैठना न केवल व्यक्तित्व में सुधार लाता है, बल्कि सेहत और आत्मविश्वास के स्तर को भी ऊपर ले जाता है। जिन लोगों ने लोन लिया था, आज उन्हें उस लोन की राशि को चुकाने में दिक्कतें आ सकती है। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने का दिन है। प्यार मोहब्बत के नजरिए से बेहतरीन दिन है। प्यार का मजा चखते रहें। इस राशि के जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें आज परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको महसूस हो सकता है कि रचनात्मक कार्य करने से बेहतर नौकरी करना था। इस राशि के बच्चे आज खेल कूद में दिन बिता सकते हैं। ऐसे में माता पिता को उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चोट लगने की संभावना है। आपके जीवन साथी का आंतरिक सुंदरता बाहर भी पूरी तरह महसूस होगा। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों का हल मिलेगा तथा आप अपने व्यक्तिगत कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। आपका अपने कर्म के प्रति अधिक विश्वास रखना आपको कोई भी निर्णय लेने में बल प्रदान करेगा। कोई समस्या अचानक दूर होगी, इस कारण प्रसन्नता रहेगी। साथ में काम करने का जज्बा भी बना रहेगा। योजना के अनुसार काम आगे बढ़ेगा और फायदा भी होगा। व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातों पर ध्यान देकर सुधार करना होगा। परिवार के लोगों के साथ के संबंध सुधरेंगे और गहरे भी बनेंगे। करियर में बदलाव करने की कोशिश न करें। जिस काम का चुनाव आपके द्वारा किया जा रहा है, उसके जरिए बड़ा लाभ हो सकता है। रिलेशनशिप को गंभीरता से लेना जरूरी है। पार्टनर की जरूरतों पर ध्यान दें। पेट संबंधित दिक्कतें बढ़ने की संभावना है। शरीर को डिहाइड्रेट ना होने दें। आप यदि किसी काम को करेंगे तो आपको उसमें अधिक मेहनत करनी होगी, उसके बाद ही कोई सफलता मिलती दिख रही है। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको किसी गलती के लिए पछतावा होगा, जिसके लिए आपको अपने बॉस से भी डांट खानी पड़ सकती है। आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा भी दूर होगी। सावधानियां।
बच्चों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कुछ समय उनके साथ जरूर व्यतीत करें। कोई भी पेपर वर्क करते समय पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। साथ ही किसी भी तरह का सेल परचेज को अभी स्थगित ही रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपको बहुत दिनों से जिसका इंतजार था वो आपके करीब है। आप बहुत दिनों से जो कल्पनाएं कर रही थी आज वे सच साबित हो सकती है। आप इस संबंध में गंभीरता से आगे बढ़ेंगे और यह सामान्य से कहीं अधिक आगे जाएगा। आपको इस संबंध को बनाए रखने के लिए जिंदगी को बेहतर बनाने के अन्य अवसरों को छोड़ना पड़ सकता है। साहस आपकी सफलता की कुंजी है। प्यार के इजहार के लिए पत्र या ईमेल का सहारा ले सकती हैं। अगर रिश्ता नया है तो उसे अतिरिक्त समय दें। यह एक्स्ट्रा समय आपके लिए जादू की तरह काम करेगा और हो सकता है कि आप इस दौरान नया इतिहास लिखें। आज आप भावनात्मक स्थिरता का आनंद लेंगे क्योंकि आप अपने साथी से नजदीकी महसूस करेंगे। शांतिपूर्ण रोमांटिक जीवन के लिए आपने प्रेमी से विचारों को साझा करें। अपने रिश्ते के बारे में अपनी उग्र भावनाओं को दबाएं। साथ रहें और आगे की योजना बनाएं। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। बात करते हैं करियर की। आपको आगे जाने से पहले अपने वित्तीय कौशल से संबंधित योजनाओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों नतीजों पर विचार करना होगा। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी करियर से संबंधित योजना का एक सूची बनानी होगी जिससे आप लाभ और हानि का विश्लेषण कर सकें। दोबारा अपने निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करें। एक जानकार व्यक्ति से राय प्राप्त करना भी सार्थक हो सकता है। आपका पेशेवर जीवन भावनात्मक गहराई और खुलेपन से भरपूर अवधि के लिए तैयार है। यह अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ स्पष्टवादी और ईमानदार होने का एक आदर्श क्षण है। आलोचना किए जाने के डर के बिना अपने विचार और भावनाएं साझा करें। अत्यधिक आलोचनात्मक या सूक्ष्म होने से दूर रहें। इसके बजाय ऐसे फीडबैक का लक्ष्य रखें जो रचनात्मक हो। गहन और सार्थक संसाधनों में शामिल होने से आपके पेशेवर रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और नए अवसर खुल सकते हैं। इस समय का उपयोग अपनी टीम के साथ आत्मीय संबंध बनाने में करें। आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता उजागर होगी जो आपको अपने कार्यस्थल का एक प्रिय और विश्वसनीय सदस्य बनाएगी। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और अपनी वास्तविकता को आगे बढ़ने दें। किसी भी तरह का व्यावसायिक निवेश करने के लिए अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। बिजनेस में नई पार्टियों और नए लोगों से डील करते समय सभी पहलुओं को सोच विचार करके लें। सरकारी मामले आज हल हो सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। अपने स्वास्थ्य और अतिरिक्त देखभाल करने का समय है। आपके अपनी समस्याओं के प्रति लापरवाह रहने से वे गायब नहीं हो जाएगी बल्कि समय के साथ साथ और गंभीर रूप धारण करती जाएगी। हालांकि समय पर उनसे बचने के उपाय करके आप काफी हद तक सचमुच उनसे बच सकते हैं। आपको अपने करीबियों के सामान्य स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको किसी करीबी से संक्रमण की भी आशंका है। आज का उपाय। आज आप भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।